Hello students, today we are going to learn class 8 English NCERT chapter number 6, the fight explanation part number 2. Before coming to this part, I'll recommend you to watch part 1 whose link I'll be providing you in the description section of this video. So in this chapter, the fight, हमने देखा था कि रंजी नाम का एक लड़का था, वो राजपुर में रहने आया था और उसे एक महीने से भी कम टाइम हुआ था. एंड उसके सामने जब उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो हॉट होता है, तो वो एक पूल में प्लंज लगा के, मीन्स डुबकी लगा के नहाने के लिए जाता है, स्विमिंग करने के लिए जाता है. लेकिन वहाँ पे उसे एक वॉरियर दिख जाता है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो उसे एंटर नहीं होने देता, और दोनों के बीच में काफ़ी एक मतलब बहुत ज़्यादा वायोलेंट फाइट स्टार्ट हो जाती है. एंड देन फिर वो दोनों वहाँ पे कोई भी उसमें से मतलब कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता उस फाइट का. एंड देन बोथ मूव्ड, बोथ ऑफ देम डिसाइड कि अब हम कल फाइट करेंगे, बिकॉज दोनों जने बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और उसका फाइट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है. तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि सेकंड डे जब वो लोग फाइट के लिए अपने आप को रेडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम दूसरे दिन फाइट करेंगे, तो उस फाइट में कौन जीतता है और कौन हारता है और क्या कंक्लूजन इसका निकलता है. सो लेट अस रीड द चैप्टर पार्ट नंबर 2. व्हेन रंजी गॉट होम ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूशेज दैट शोड ऑन हिज फेस, लेग्स एंड आर्म्स. जब वो घर पहुंचता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि जो उसको कट्स और ब्रूशेज, मतलब ब्रूशेज मीन्स अगर किसी के खरोंच आ गई हो किसी को मारने से, उसे हम ब्रूशेज बोलेंगे. तो वो कट्स और जो उसको लगे थे मतलब फेस पे, लेग्स पे, आर्म्स पे, वो उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है घर वाले मेम्बर्स को. Fine, then what happens is, it was difficult to conceal. Conceal means what? Conceal means to hide. ठीक है, तो उसको ये हाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जो उसकी फाइट हुई होती है उस वॉरियर के साथ. अपनी मदर को एक्सप्लेन करना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और उसकी मदर क्या बोलती है कि तुमको जब इतना सारा लगा है तो तुम अब कहीं भी घर से बाहर नहीं जाओगे, और उसको घर पे रहने के लिए इंसिस्ट करती है. दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू बाजार वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज. अब वो फिर भी कैसे भी करके इवनिंग में बाहर निकल जाता है और बाजार में जाता है. वहाँ पे वो खरीदता है, लेमनेड खरीदता है और स्वीट जलेबीज खरीदता है, परचेज करता है, जो उसने लीफ, बनाना लीफ में ऊपर रखी होती हैं. और सोलेस, सोलेस का मतलब होता है टू गिव कम्फर्ट. तो ये जो लेमनेड पी के उसको बड़ा ही कम्फर्ट महसूस होता है. ठीक है, ठंडा ठंडा लेमनेड उसको पी के बड़ा ही कंफर्ट महसूस होता है. सो सोलेस मीन्स टू गिव कंफर्ट. एंड विविडली, विविडली कलर्ड मीन्स पावरफुल एंड कलरफुल. एकदम पावरफुल कलर था उस लेमनेड का, तो वो पी के उसे बहुत ही अच्छा लगता है और जलेबीज खा के भी उसे बहुत ही आराम आता है. ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड. और जैसे ही वो सब लेमनेड फिनिश करता है, उसको उसका एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब जिसने अटैक करा था, वो वॉरियर की बात हो रही है, तो वो वॉरियर उसको नजर आता है सामने से आता हुआ. हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी. तो उसका पहला तो इम्पल्स मीन्स एक्शन, तो उसका पहला एक्शन तो ये होता है कि टू टर्न अवे, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूं. और सेकंड उसे ऐसा लगता है कि जो लेमनेड की बॉटल है ना, वो मैं उसके तरफ फेंक दूं. बट ही डिड नाइदर ऑफ द दीज थिंग्स. इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी. वो दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं करता है और अपनी जो, अपना जो एडवर्सरी है मतलब जो वॉरियर है उसका, उसकी तरफ वो स्काउलिंग से देखता है. स्काउलिंग मीन्स टू लुक एंग्रीली. ओके, टू लुक एंग्रीली. ओके, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑल्सो सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू. स्काउलिंग मीन्स वो उसकी तरफ एंग्रीली देखता है अपने ओपोनेंट की तरफ. एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर बट स्काउल्ड बैक विथ इक्वल फेरोसिटी. और जो उसका एडवर्सरी है मतलब जो वॉरियर है, वो भी उसकी तरफ एंग्रीली देखता है इक्वल फोर्स से. इक्वल फेरोसिटी मीन्स इक्वल एंगर से, वो भी उतना ही एंगर दिखा के उसकी तरफ देखता है. दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं यहाँ पे, ऐसा हमें बताया गया है चैप्टर में. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन.
Ranji felt weak and lazy and not at all eager for a fight. अब next day जो होता है वो और भी ज़्यादा मतलब hot होता है, गर्म atmosphere होता है. Ranji जो है उसे weakness ही महसूस होती है, lazy महसूस होता है और उसे और वो eager भी नहीं होता, उसके में इतना enthusiasm नहीं होता है fight करने का. His body was stiff and sore after the previous day's encounter. और उसका जो body है ना वो एकदम मतलब sore means painful. ठीक है, पेन में भरा हुआ होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वॉरियर ने मारा होता है, इस वजह से उसका जो बॉडी होता है वो पेन हो रहा होता है, एकदम स्टिफ हो गया होता है बिकॉज ऑफ दैट वॉरियर्स अटैक. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो बोलता है कि मैं इस चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता हूँ. नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और अगर मैं पूल की तरफ नहीं जाऊँगा उसको उसके सामने तो ये तो एक ऐसा हो जाएगा कि मैंने जो हार है उसको मान लिया है, और रंजी जो है वो हार मानने वालों में से नहीं था. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, और उसको पता था कि अगर मैं इस तरह का करूँगा व्यवहार कि मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी मतलब मेरी हार हो जाएगी और मुझे नेक्स्ट टाइम भी मारा जाएगा. बट ही कुड नॉट एक्वीज इन हिज ओन डिफीट, एक्वीज मीन्स एक्सेप्ट क्वाइटली, लेकिन वो अपनी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. सो एक्वीज मीन्स टू एक्सेप्ट क्वाइटली, वो अपनी इस हार ऐसे वो हार नहीं सकता था, मतलब वो हारते हुए अपने आप को नहीं देख सकता था. ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, डिफाई मीन्स टू प्रूव समथिंग, ओके टू प्रूव समथिंग. तो उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे उसको प्रूव करके ये बताना पड़ेगा कि आई एम वेरी स्ट्रांग और तुम यहाँ से मुझे भगा नहीं सकते हो. और आउटविट हिम फॉर ओनली वैन ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, और इसी तरीके से आउटविट मतलब आप किसी को चीट नहीं कर सकते हो. तो रंजी को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पे इस तरीके से हक नहीं जमा सकता है और मुझे हरा नहीं सकता है, मुझे रिस्पेक्ट तभी गेन होगी जब मैं उसे हराऊंगा. इफ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल द टाइम, बट टू फाइट एंड बी बीटन टू टूडे लेट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. तो वो बोलता है कि मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता हूँ, अगर मान लो मैं अभी सरेंडर कर दूंगा मतलब हार मान लूंगा तो मैं फिर हर बार मेरी हार ही होगी और मैं मारा जाऊंगा. एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, और जब तक वो लड़ सकता है उस एडवर्सरी से तब तक उसका भी राइट है उस पूल में जाने का. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल. ठीक है, और वो इस तरीके से हाफ होप में था वॉर का, वो होप कर रहा था, आशा रख रहा था कि मान लो हो सके भगवान करे कि जो वॉरियर है ना वो इस चैलेंज के बारे में भूल ही गया हो, लेकिन उसकी सारी जो होप्स हैं वो डैश्ड हो जाती हैं, मतलब टू रन अवे क्विकली उसकी सारी जो होप्स हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं जब वो देखता है कि जो ओपोनेंट है वो तो सामने से आ रहा है स्ट्रिप टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल. ओके, एंड स्ट्रिपिंग करा हुआ है उसने वेस्ट तक एंड वो सामने पूल पे खड़ा है. द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वो अपने बॉडी पे ऑयल लगा रहा था. ही सॉ रंजी बीनीथ द साल्ट ट्रीज एंड कॉल्ड चैलेंज अक्रॉस द वॉटर्स ऑफ द पूल, और फिर वो रंजी को देखता है साल्ट ट्रीज के नीचे और बुलाता है कि चैलेंज लड़ने के लिए यहाँ पे आ जाओ. कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड, और फिर वो बुलाता है कि चलो इधर आ जाओ और यहाँ पे हम फाइट करते हैं. बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट एनी कंडीशंस लेड डाउन बाई हिज ओपोनेंट, लेकिन रंजी को उसकी कोई भी बात नहीं माननी थी क्योंकि वो उसका ओपोनेंट था. कम दिस साइड एंड फाइट, तो वो उसको बोलता है कि चलो तुम इस साइड आ जाओ और हम फाइटिंग करते हैं. ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, और फिर रंजी जो है वो भी इक्वल फोर्स के साथ उसको बोलता है कि आप इधर आ जाओ हम इधर फाइट करेंगे. स्विम अक्रॉस द फाइट एंड फाइट मी हियर, ओके तो जो वॉरियर है वो बोलता है कि आप स्विम करके आ जाओ और हम इधर फाइट करेंगे, कॉल्ड द अदर. फिर वो जो वॉरियर है वो उसे बोलता है कि तुम स्विम करके आ जाओ, या तो ऐसा है कि तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आता तुम ये बता दो. बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी जो है वो तो काफ़ी होशियार था, उसको स्विमिंग करना बहुत अच्छे से आता था और वो डजन टाइम्स मीन्स 12 टाइम्स वो पूल में स्विमिंग कर सकता था बिना थके. एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर इज सुपीरियरिटी, और इधर वो वॉरियर को बता सकता था कि वो उससे कितना स्ट्रांग है. सो स्लिपिंग out of his vest he dived straight into the water cutting through like a knife and surfaced with hardly a splash.
द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और वो उसे बता देता है कि वो कितना स्ट्रांग है. वो ठीक है ना, स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट क्या करता है, डाइव करता है वाटर के अंदर, और जैसे चाकू की तरह वो सीधे एकदम अंदर स्विमिंग करते हुए चला जाता है पूल के अंदर. एंड बिल्कुल भी, मतलब वो जब डाइव करता है तो बिल्कुल भी पानी भी बाहर नहीं उड़ता है. स्प्लैशिंग मीन्स पानी जो उड़ता है ना, उसे हम स्प्लैशिंग बोलते हैं. तो अगर कोई बहुत अच्छा स्विमर होता है तो बिल्कुल भी उसके डाइव करने में पानी बाहर नहीं निकलता है. तो इस तरह से कुछ रंजी का भी हुआ, और जो वॉरियर है वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया ये सारे एक्शंस की वजह से. यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड. वॉरियर बोलता है कि यार तुम्हें डाइव करना आता है, इट इज़ ईजी, सेड रंजी. रंजी बोलता है अरे ये तो बहुत ईजी है. फिर रंजी जो है वो उसे बोलता है अरे डाइव करना तो बहुत ईजी है, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज कांट यू डाइव. और फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम डाइव नहीं कर सकते हो. रंजी वॉरियर से बोलता है नो सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव. मैं तो एकदम स्ट्रेट अंदर चला जाता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे सिखाओगे तो मैं डाइव करना सीख जाऊँगा. वॉरियर बोलता है रंजी से इट इज़ ईजी, सेड रंजी. स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट. ठीक है, एकदम तुम्हें क्या करना है, रंजीव से सिखाना है, सिखाने लगता है. क्या बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, खाली रॉक पे खड़े रहना है, अपने जो आर्म्स हैं तो आर्म्स को स्ट्रेच करके आपको क्या करना है, अपने जो फीट है उसे डिस्प्लेस करना है और हेड को बैंड करना है. द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इन टू द वॉटर. ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली विद अ क्रैश दैट सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज. तो वॉरियर जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है. वो एकदम स्टिफ और स्ट्रेट खड़ा रह जाता है, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और अपने आप को वॉटर के अंदर मतलब डाइव करता है वो. एंड ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, वो अपनी बैली पे फ्लैट डाइव करता है. विद अ क्रैश दैट सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, मतलब इतनी जोर से डाइव करता है कि जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर उड़ जाता है, और उसकी जो आवाज़ आती है वो इतनी तेज आती है कि जो बर्ड्स हैं वो भी डर जाती हैं और वो स्क्रीमिंग करती हुई ट्रीज पे से उड़ जाती हैं. रंजी डिजॉल्व इन टू लाफ्टर, और रंजी जो है वो भी काफ़ी हंसने लगता है ये सब देख के. देन are you trying to empty the pool? He asked as the warrior came to the surface, spouting water like a small whale. So Ranji जो है वो उस warrior से पूछता है क्या तुम pool को खाली करने की try कर रहे हो, जो तुमने इस तरीके से jump किया है pool के अंदर. और warrior जो है वो surface की तरफ आ जाता है जैसे एक small whale हो उस तरीके से. Wasn't it good? Asked the boy, evidently proud of his feat. और फिर वो उसे पूछता है क्या ये अच्छा jump नहीं था, warrior पूछता है Ranji को. Not very good, said Ranji. You should have more practice. See, I will do it again. So, रंजी क्या बोलता है कि नहीं इतना अच्छा तो नहीं था, तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं तुम्हें करके बताता हूँ कि कैसे करना है. एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन द रॉक, ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव. और फिर वो वापस उसे डाइव करके दिखाता है. द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड. और फिर जो दूसरा बॉय है वो उसका वेट कर रहा होता है कि भाई रंजी कब ऊपर आएगा, लेकिन जब उसने डाइव करी तो वो अंडर वाटर स्विमिंग करने लगा रंजी. और रंजी फिर सर्कल बना के वापस उसको उसके पीछे से उसको दिखता है आता हुआ. हाउ डिड यू डू दैट, आस्क द एस्टोनिश्ड यूथ. फिर जो वॉरियर है वो उसे बोलता है कि अरे ये तुमने किस तरीके से करा, कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी. और फिर रंजी उसे बोलता है क्या तुम अंडर वाटर स्विमिंग नहीं कर सकते. नो बट आई विल ट्राई इट. देन वॉरियर बोलता है नहीं लेकिन मैं इसे ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ. द वॉरियर मेड अ ट्रमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन थ्रू हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेंड अबोव सरफेस. एंड फिर जो वॉरियर है वो बहुत ट्राई करता है रंजी की तरीके से अंडर वाटर प्लंज करने की, लेकिन उसे लगता है कि वो उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट करा है. ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा उसने एफर्ट करा है, लेकिन जब वो देखता है तो वो तो फिर बॉटम में भी नहीं पहुंचा होता है और वो ऊपर ही होता है. जैसे डक कैसे तैरती है सरफेस पे, उसी तरीके से वो सरफेस पे ही होता है और अंडर वाटर जा ही नहीं पाता. रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम. और रंजी जो है वो उसे डिस्करेज नहीं करता है, काफ़ी एनकरेज करता है. इट वॉज़ नॉट बैड, ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. फिर रंजी बोलता है देखो ये गलत खराब तो नहीं था, लेकिन तुमको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. विल यू टीच मी, आस्क हिज एनिमी. तो उसका जो एनिमी जो है मतलब वॉरियर जो है वो बोलता है क्या तुम प्लीज़ मुझे सिखा सकते हो. इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू. देन रंजी उसे बोलता है कि अगर तुम
ओके, तो फिर वो जो वॉरियर है वो उसे बोलता है, क्या तुम प्लीज़ मुझे टीच कर सकते हो? इफ़ यू विल लाइक आई विल टीच यू. देन रंजी इसको बोलता है, इट्स ओके, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा. यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू. वॉरियर बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो फिर मैं तुम्हें बीट करूंगा, मारूंगा. विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी? वॉरियर बोलता है, क्या तुम रेगुलरली यहाँ पे आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक, सेड रंजी. दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वॉटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक. एंड देन फिर वो दोनों जाके साइड में एक स्मूथ ग्रे रॉक पे जाके बैठ जाते हैं. और रंजी उसे बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें सीखना ही है तो मैं रोज आ जाऊंगा तुम्हें सिखाने. माई नेम इज सूरज, सेड द वॉरियर. और फिर वॉरियर बोलता है, मेरा नाम क्या है? सूरज है. वॉट इज योर्स? एंड वॉरियर उसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? इट इज रंजी. और वो बोलता है कि मेरा नाम रंजी है. आई एम स्ट्रांग, एम आई नॉट? सेड सूरज, सॉरी सूरज. ठीक है, तो फिर सूरज बोलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ. देखो मैं स्ट्रांग हूँ ना. बेंडिंग इज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश. और फिर वो अपने मसल्स दिखाता है उसको. यू आर स्ट्रांग, सेड रंजी. रंजी उसे बोलता है, अरे तुम तो बहुत स्ट्रांग हो. यू आर अ रियल पहलवान. वो उसे बोलता है, तुम तो रियल पहलवान हो. वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स बेस्ट रेसलर, सेड सूरज. और फिर सूरज उसे बोलता है, एक दिन देखना मैं दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बन जाऊंगा और वो भी रेसलर बन जाऊंगा. स्लैपिंग हिज थाइज विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड. इस तरीके से मतलब वो अपने थाई पे इस तरीके से स्लैप करके उसको बताता है कि मैं बहुत बड़ा एक रेसलर बन जाऊंगा. ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी. यू आर क्वाइट स्ट्रांग योर सेल्फ, ही कंसीडर्ड. कंसीडर्ड मीन्स एडमिटेड. हियर यू कैन सी इन द मीनिंग्स. और फिर वो उसे बोलता है कि वैसे तो तुम भी काफ़ी स्ट्रांग हो. वॉरियर बोलता है, रंजी को तुम्हारा जो बॉडी है वो हार्ड है, थिन बॉडी है, और तुम काफ़ी बोनी हो. आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ. और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है वैसे जो तुम लोग है ना कुछ भी खाते नहीं हो अच्छे से. मतलब वॉरियर किसे बोलता है? रंजी को बोलता है. यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी. तुम एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ और तुम मेरे साथ खाना खाया करो. आई ड्रिंक वन सीर ऑफ मिल्क एवरी डे. अब वन सीर का मतलब क्या होता है? लेस देन अ लीटर. कि वॉरियर उससे बोलता है रंजी को कि मैं तो रोज़ है ना लेस देन अ लीटर दूध भी पीता हूँ. वी हैव गॉट अवर ओन काओ. मेरे पास मेरी हमारी खुद की काओ है, गाय है. बी माई फ्रेंड. और फिर वो उसे बोलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, दिस इज़ वॉरियर एंड दिस इज़ रंजी. वॉरियर जो है वो उसे अपनी मतलब बताता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा क्योंकि तुम अच्छे से खाना भी नहीं खाते हो. एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी. और फिर उसे बोलता है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा अच्छे से. एंड आई विल गिव यू द मिल्क ऑल्सो. और मैं तुम्हें अपनी तरीके से एक पहलवान बना दूंगा. आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान. अगर तुम मुझे अंडर वाटर डाइविंग सिखा दोगे, वॉरियर बोलता है रंजी को कि अगर तुम मुझे अंडर वाटर डाइविंग सिखा दोगे तो मैं तुम्हें मेरी तरह पहलवान बना दूंगा. दैट इज फियर इज नॉट इट. और फिर क्या ये सही बात नहीं है? That is fair, said Ranji. Ranji बोलता है ठीक है. Though he doubted if he was not getting the better of exchange. लेकिन फिर उसे doubt होता है कि क्या भाई ये सही में इस तरीके से करेगा भी ना, मैं तो इसे सिखा दूंगा, क्या ये मुझे सही में अपने साथ खाना खिलाएगा? सूरज put his arm around the younger boy and said, we are friends now, yes. और फिर जो सूरज है मतलब जो वॉरियर था वो रंजी के मतलब आर्म्स में अपना हाथ रख के उसे बोलता है कि अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं, तुम मेरे फ्रेंड बनोगे ना. दे लुकड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट फ्लिंचिंग अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न. और फिर दोनों एकदम मतलब आपस में फ्रेंड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और दोनों ऑनेस्टी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं. अनफ्लिंचिंग मतलब बिना आंख को फड़फड़ाए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों में लव एंड अंडरस्टैंडिंग बॉर्न हो जाती है. वी आर फ्रेंड्स, सेड रंजी. और फिर रंजी उसे बोलता है ठीक है हम दोस्त हैं अब. द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिमिटेड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज. अब जो बर्ड्स हैं वो भी अगेन ट्रीज की ब्रांचेस पे बैठ जाती हैं और सब कुछ जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एकदम शांत हो जाता है. और जो पूल है उसमें भी जो लिमिटेड वाटर है मतलब एकदम जो क्लीन वाटर है वो शेड ऑफ साल ट्रीज में एकदम सा क्वाइट एकदम शांत जल सा लग रहा होता है. इट इज़ अवर पूल, सेड सूरज. और फिर सूरज उससे बोलता है कि ये तो हमारा पूल है अब. मतलब पहले वो उससे फाइट कर रहा होता है लेकिन अब देखो उसमें कितना बदलाव आ जाता है कि वो उसे बोलता है कि ये अब हमारा पूल है, मेरा पूल नहीं है, अब ये हमारा पूल है. नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट अवर परमिशन, हु वुड डेयर. और फिर सूरज बोलता है कि हमारी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है और किसकी हिम्मत है कि जो हमारी परमिशन के बिना यहाँ पे आए. हु वुड डेयर, सेड रंजी. रंजी भी बोलता है कि हाँ सही बात है, हमारी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, किसी की हिम्मत नहीं है. स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे. और वो उसी तरीके से बोलता है कि उसको लगता है कि आज मेरी जीत हो गई है.
So this chapter was written by Ruskin Bond. I hope everybody understood it properly. If you really like the video, please give it a like, share among your friends, and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.